मैं इस्लामुद्दीन खान और देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के ठाणे में डांस ऑडिशन के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। इस फर्जीवाड़े की खबर लगते ही मनसे नेता अविनाश जाधव भी पहुंच गए और पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। आपको बता दें कि ठाणे के सहयोग मंदिर हॉल में डांस ऑडिशन किया जा रहा था, जिसमें भाग लेने वालों से 5,000 से 10,000 रुपये ऑडिशन के नाम पर लिए गए थे और बताया गया है कि ऑडिशन के लिए मशहूर जज आएंगे और ये ऑडिशन एक टीवी चैनल पर लाइव रहेगा। मगर ना ही कोई जज आया और ना ही लाइव गया। इसमें भाग लेने के लिए आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, नागपुर, अन्य राज्यों और जगहों से यहां पर लोग आए हुए थे। मगर ये मामला सामने आया कि ये पूरा डांस ऑडिशन ही फर्जीवाड़ा था। मनसे पदाधिकारियों ने पुलिस से धोखाधड़ी का केस दर्ज करने की मांग की। TV9X नावाचं एक चॅनल आहे, त्याच्यासाठी इथे ऑडिशन होतं आहे असं सांगण्यात आलेलं आहे। पर लोकांकडनं 5,000 रुपये घेण्यात आले, कोणाकडनं 65,000 रुपये घेण्यात आले, पण अशी कुठलीच गोष्ट इथे नाही आहे। ही लेडीज आहे ना, ती आणि तो पोरगा ना जीन्सवाला, ते दोघं जण इम्पॉर्टंट आहे त्यातली, सर मेन आहे। आणि हा मुलगा तो लोकांना फसवून लाखो रुपये जमा करण्यात आले, काल पण इथे हे झालेलं आहे। आणि आम्ही ज्यावेळेला टी व्ही चॅनलशी बोलतो त्यावेळेला टी व्ही चॅनलनी सांगितलं तुम्ही पोलीस कंप्लेंट करा, आम्ही अशी कुठल्याही प्रकारची ऑडिशन भरवलेलं नाही आहे असं चॅनलने आम्हाला सांगितलं। नक्की प्रकार कसा काय लक्षात आला? की काही पॅरेंट्सनी आम्हाला फोन केले की आमच्याकडनं 10,000 रुपये घेतले आणि जे ऑडिशन घेण्यासाठी जे जज येणार होते असे कुठल्याही प्रकारचे जज इथे आलेले नाही, तो त्याच्यावरनं आम्हाला हे फेक वाटलं। मनसे कार्यालयात काही इथली कुटुंब आली होती, काही मुलांचे पॅरेंट्स आले होते आणि म्हणून आम्ही इथे आलो। आता पुढचं पाऊल काय असणार आहे? पुढचं पाऊल लोकांचे पैसे परत करणं आणि यांना योग्य ती कारवाई करणं, कारण 5,000 रुपये फी आहे आणि लोक 50,000 लाख रुपये खर्च करून विमानाने प्रवास करून इथे आलेले, सो यांना 5,000 रुपये मिळावेत, यांना 5,000 फायदा व्हावा म्हणून लाखो रुपयाचं लोकांचं नुकसान या लोकांनी केलेलं आहे। सर माहिती काय मिळते? कुठून कुठून लोक आलेले आहेत? हे आंध्र प्रदेश, ओरिसा, दिल्ली, नागपूर, सोलापूर अशा विविध भागात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश अशा विविध भागातनं या लोकांनी इथे आणलं। सर कलाकारांची अशी ठाण्यात येऊन फसवणूक केली जाते त्याबद्दल तुम्हाला? आम्हाला आमच्या नजरेत ज्या वेळेला आलं त्यावेळेला आमची सगळी टीम ही इथे पहिली पोहोचलेली आहे। जिथे अन्याय होतो तिथे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पोहोचते। आता पोलिसांची भेट झाली का? पोलीस आलेले आहेत, पोलिसांनी संबंधित लोकांना जमा करून ठेवलेलं आहे आणि मला असं वाटतं की या सर्व लोकांचे आलेले हजारो लोकांचे पैसे आता आम्ही परत करायला सांगितलेले आणि यांच्यावर गुन्हा नोंदवून यांच्यावर तात्काळ कारवाई करायला आम्ही सांगितलं। हमें यहाँ पे ऑडिशन के लिए बोला गया और हमने ऑनलाइन ऑडिशन दिया, हम उत्तराखंड से आए हैं और यहाँ पे फ्रॉड बता रहे हैं, हमसे पैसे तक लिए इन्होंने, ऑडिशन के पैसे लिए हैं, ठीक है, 500 ऑडिशन के लिए और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मेगा राउंड के 5,000 रुपए लिए पर बच्चा। अब ग्रुप का अलग फीस बताया गया, हमसे अलग बताया गया ग्रुप का, और हम पूरा ग्रुप लेके आए हैं। हम 12-13 बंदे आए हुए हैं उत्तराखंड काशीपुर से और हर कोई पेरेंट्स रिच फैमिली से तो है नहीं, सब मिडिल क्लास फैमिली से है, हर कोई ब्याज का पैसा उठा के अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए दे रहा है और यहाँ पे आके इनका गिर नाटक चल रहा है। और इन्होंने बड़े सेलिब्रिटी को बोला कि ये वहाँ पे चल रहे मास्टर मर्जी सर को बोला इन्होंने कि वो यहाँ पे जजिंग करेंगे और वो यहाँ पे है नहीं प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि नहीं उनका नहीं है उनका, अब बोले कि 3 महीने बाद टीवी टेलीकास्ट होगा। इन्होंने बोला कि लाइव दिखाया जाएगा यहाँ पे बच्चों का, जो भी ऑडिशन चलेगा लाइव दिखाया जाएगा, बट वो भी कोई वो नहीं है यहाँ पे। चैनल कौन सा था और कहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ था? पहले इन्होंने 9XM बोला, उसके बाद इन्होंने 9X जलवा बोला और इनसे जब कॉल पे बात हुई तो इन्होंने अलग अलग चैनल के अलग अलग पेमेंट मांगी। बोला कि अगर तुम ये क्या बोलते हैं, एक दूसरा चैनल है अगर उसमें अगर आप विजिट करना चाहते हो तो आपको 3500 रुपए अलग से आपको वो करना पड़ेगा, मतलब हर चैनल के इन्होंने चार्जेस अलग बताए कि अगर तुम उसमें प्रोमो करना चाहते हो। अभी तक आपसे कितना पैसा लिया है? अभी तक हमसे हमारा ग्रुप का हो गया पर बंदा 10,000 करके लगाओ, 12 लोग हम यहाँ पे आए हुए हैं। अभी पुलिस से बात हुई, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस इन्होंने बोला कि आपका जो फीस है वो भर दिया जाएगा। चलो फीस तो भर देंगे, जो आने जाने का खर्चा उठाया है बच्चों ने वो कहाँ से भरेंगे? जो स्टे किया यहाँ पे हमारा कोई रिलेटिव का कौन है? इसका मेन कौन है? आपको किसने कॉल किए थे? किसका नाम बताया गया था? कौन कौन है वो? इंस्टा पे इन्होंने हमारी अकेडमी का, इन्होंने हमारी अकेडमी का जो प्रोफाइल है उस पर इन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट करके बोला था कि ऐसे ऐसे रियलिटी शो है, अगर आप बच्चा अपना पार्टिसिपेट करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे भेज सकते हो अपने बच्चे को। तो हमने भी बोला सही है, बच्चे को मौका मिला, फर्स्ट इनका फर्स्ट शो है, तो मैंने कहा इसी वजह से बच्चे को मौका मिल जाएगा क्योंकि फर्स्ट शो पे कम लोगों का चांसेस होता है।